हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को सॉरी बोलना चाहूँगा क्योंकि यार काफ़ी दिन से मैं वीडियो जो है अपलोड नहीं कर पा रहा था, और वीडियो अपलोड ना करने का कारण सिर्फ एक ही है कि मुझे कंटेंट नहीं मिल रहा था। तो फिर मैंने सोचा भैया आवाम की आवाज़ सुनी जाए, आवाम मतलब आप सभी लोगों की, और वो आवाज़ हमेशा की तरह थी रेडमी नोट 5 के लिए। तो फिलहाल दोस्तों जितने भी मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं, चाहे वह कम्युनिटी टैब पर हो या फिर मेरी वीडियोज़ में हो या फिर कहीं पर भी हो, सभी के सेम कमेंट है कि भैया अब तो दे दो MIUI 11 का अपडेट। तो अभी तक दोस्तों अपडेट नहीं आया। हमें पता है Redmi Note 5 के अंदर अभी भी हम MIUI 10 को ही यूज़ कर रहे हैं। खैर जितने भी MI के फ़ोन्स हैं, चाहे वो Redmi Note 5 से ऊपर आते हों या फिर Redmi Note 5 से नीचे हों, सभी को MIUI 11 अपडेट दे दिया गया है। जैसे कि दोस्तों Redmi 5 है, Redmi 6 है, Redmi 6, Redmi Note 5 Pro, Redmi 5, Redmi Y2, काफ़ी सारे डिवाइसेज जिनको MIUI 11 का अपडेट मिल गया है। सिर्फ दोस्तों Redmi Note 5 को छोड़ के इसके अंदर अभी अपडेट नहीं आया है। और जो Redmi Note 8 Pro है उसको अभी थोड़ा सा डिले होगा क्योंकि मैंने उसको बताया था, और वो अभी भी अंडर टेस्टिंग है। और वैसे भी Redmi Note 8 Pro 4th बैच में है तो वो उसको दिसंबर में अपडेट मिलेगा। तो देखिए Redmi Note 5 के साथ एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, और वो दोस्तों ये है कि आपको याद होगा जब पहले भी अपडेट आए थे MIUI 10 के, उस समय भी इसको काफ़ी डिले कराया गया था। जब बीटा से स्टेबल में अपडेट आ रहे थे तो उस समय भी दोस्तों Redmi Note 5 को काफ़ी डिले हुआ था। कारण सिर्फ एक ही है कि दोस्तों Xiaomi वाले अपने ओल्ड फोन्स को पूरी तरह से भूलते जा रहे हैं, और जो नोट 5 उसको तो ज्यादा ही भूल रहे हैं क्योंकि उनके पास लेटेस्ट डिवाइस इतने ज्यादा हो गए हैं, वो उन फोन्स को और ज्यादा बेहतर बना रहे हैं, और जितने भी ओल्ड फोन्स हैं उनको पूरी तरह से भूलते जा रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों का मेरे पास कमेंट्स आया था कम्युनिटी टैब पर और वीडियोस में भी कि हमको MIUI 11 का अपडेट मिल गया है। फीडबैक देने के बाद 2 दिन बाद रिप्लाई आया और हमें अपडेट मिल गया है। तो अगर आपको फीडबैक वाली वीडियो देखनी है, अगर आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको आप देख लीजिए। हो सकता है आप उस वीडियो को देखिए, उस फॉर्मूले को एक बार अपने फ़ोन में अप्लाई कीजिए। हो सकता है दोस्तों उस वीडियो को देख करके भी आपको अपडेट मिल सकता है, उससे कुछ फ़ायदा हो सकता है। तो एक दो यूज़र्स को अपडेट मिलने का कोई फ़ायदा नहीं है, जब तक यहाँ पे सारे यूज़र्स को अपडेट नहीं मिलेगा तो उसका कुछ फायदा। और दोस्तों अगर आप ये सोचते हैं कि मैं सर्च नहीं करता हूँ या फिर मैं चेक नहीं करता हूँ, मैं आपको बता दूँ दोस्तों मैं डेली चेक करता हूँ, मैं डेली सर्च भी करता हूँ अपडेट के लिए, और मैंने सारी वेबसाइट चेक कर ली है और एक्जेटा डेवलपर्स के पास भी चेक कर लिया है। मुझे दोस्तों कोई भी ग्लोबल OTA अपडेट की अभी तक फाइल नहीं मिली है। और मैंने जो आपको रिव्यू दिखाया था MIUI 11 का नोट 5 के अंदर काफ़ी टाइम पहले, वो एक अलग चीज़ थी, वो मैंने TWRP रिकवरी की मदद से इसमें रोम इंस्टॉल करी थी। और दोस्तों जो चाइनीज़ रोम है Redmi Note 5 के लिए वो आ चुकी है, आपको भी पता होगा, बट उस रोम को आप अपने फोन के अंदर इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं अपने फोन की नॉर्मल रिकवरी से। उसके लिए हमें चाहिए TWRP रिकवरी, उसी से वो रोम जो है इंस्टॉल होगी। तो अब दोस्तों मैं आपको बताऊं सॉल्यूशन क्या है अपडेट का, मतलब अपडेट जो है हमारे फ़ोन में कब तक आएगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताता हूं, अगर आप मतलब जो बैचेस वाली अगर आप लिस्ट देखी होगी तो वहां पे सेकंड बैच में वैसे तो नोट 5 था, बट अब यहां पे थर्ड बैच भी खत्म होने वाला है, 10 दिन बाद थर्ड बैच भी खत्म हो जाएगा। और अगर आपको दोस्तों MIUI 11 का अपडेट चाहिए अपने नोट 5 के लिए तो आपको दोस्तों क्या करना है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के यस टाइप कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों मैं जो सॉल्यूशन कुछ ना कुछ करूंगा। उसके बाद मैं दोस्तों MI वालों को फीडबैक भेजते हैं हम, और उनसे दोस्तों पूछते हैं कि भाई अपडेट जो है क्यों नहीं दे रहे हैं। और इसके अलावा मेरे पास कुछ सेटिंग्स है जो आप अपने फ़ोन में अप्लाई कर लीजिए, जिसकी वजह से थोड़ा सा जल्दी अपडेट मिल जाएगा। यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो इंस्टेंट ऑटोमेटिकली या फिर रिसीव अपडेट अर्ली, इन सभी सेटिंग्स को प्लीज़ अप्लाई कीजिए अगर आप जल्द से जल्द अपडेट पाना चाहते हैं। तो ये है दोस्तों कहानी इस महान अपडेट की। वैसे अगर देखा जाए तो इतनी बड़ी बात नहीं है जितनी बड़ी अब ये बन गई है बात, ना दे देकर अपडेट इन्होंने इतनी बड़ी बात बना दी है जिसका तो हम पे भी सॉल्यूशन नहीं है। और बाकी जितनी भी मैंने आपको सेटिंग्स बताई हैं, चाहे वो फीडबैक वाली हो या फिर वो अर्ली अपडेट वाली सेटिंग्स को, उन सभी सेटिंग्स को आप अपने किसी भी फ़ोन में अप्लाई कीजिए, उससे कुछ ना कुछ आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी और उससे आपको फ़ायदा भी होगा। और अपडेटेड रहने के लिए आपको दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए, और वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को भी आप एक लाइक कर सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।